नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रत्याशी का गंभीर आरोप, सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की अर्चना सिंह ने विरोधी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्ता के इशारे पर उन्हें विपक्षी प्रत्याशियों के द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं, इससे वे डरने वाली नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि वे अपना नहीं बल्कि जिले का विकास करने आए हैं। अर्चना ने साफ कहा है कि अगर इन्होंने विकास किया होता तो आज ये नौबत ना आती, लिहाजा वे सभी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी को लेकर के उन्होंने पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की है। दरअसल अर्चना सिंह किस्तौली के पूर्व विधायक चंद्र भद्र सिंह और धनपतगंज के पूर्व प्रमुख यश भद्र सिंह मोनू की छोटी बहन है। उन्होंने पहली बार वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है और भारी मतों से निर्वाचित हुई हैं। अब वे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आज अर्चना अचानक पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र लेकर के आरोप लगाया कि शासन सत्ता के दबाव में विरोधी प्रत्याशी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के द्वारा अब उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो उनके समर्थित प्रत्याशी हैं उन्हें भी मेरे पक्ष में मतदान न करने की लगातार धमकियां दी जा रही है। ऐसा न करने पर समर्थित प्रत्याशियों को फर्जी मुकदमों में जेल भेजने की लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अर्चना सिंह के द्वारा एसपी को दिए गए शिकायती पत्र में ये भी आरोप लगाया गया है कि उषा सिंह और उनके पति शिव कुमार सिंह के द्वारा भाई चंद्रभान सिंह और यशभद्र सिंह को जेल भेजने की धमकी भी दी जा रही है, ताकि ये लोग आराम से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर ले। फिलहाल अर्चना ने कहा है कि वे किसी से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायकों को विकास करना चाहिए, लेकिन वे बदला लेने में जुटे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि मेरे साथ पक्षपात रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने सांसद मेनका गांधी और सदर विधायक सूर्यभान सिंह के लिए कहा है कि वे उनकी बेटी की उम्र की है, लिहाजा पक्षपात बंद करें। उन्होंने साफ कहा कि मैं अपना विकास करने नहीं आई हूं, बल्कि जिले का विकास करने आई हूं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अर्चना की शिकायती पत्र पर आश्वासित किया है कि चुनाव भयमुक्त और निष्पक्ष होगा। एसपी ने कहा है कि हर जिला पंचायत सदस्यों की तरह उन्हें भी तो पुलिस की सुरक्षा कर्मी दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे साथ हर समय हर वक्त खड़े हुए हैं और अभी भी मेरे समर्थन में हैं। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। जिला सुल्तानपुर के जितने भी विधायक हैं पूरे जिले के, वो विकास करने के लिए आते हैं, ना कि किसी से बदला निकालने के लिए आते हैं। और मेरे लिए पक्षपात जो हो रहा है, मैं वही एसपी साहब से अपनी रिक्वेस्ट लेके आई थी कि मैं इंडिपेंडेंट चुन के आई हूँ और मुझे लड़ने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में सबको अच्छे से लड़े, और ये भी सामने मेरे जो भी मेरे विरोधी हैं, मैं किसी से डरने वाली हूँ मैं से नहीं हूँ। मेरे पास जो भी हैं सारे समर्थक मेरे पास हैं और मैं जीत के आ रही हूँ, मुझे इतना विश्वास है। माननीय सांसद महोदया और सूर्यभान सिंह जी सुल्तानपुर सदर के विधायक, उनके लिए मैं स्पेशल बोलना चाहती हूँ कि मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, इसलिए मेरे कोई भी पक्षपात या मेरे से बदला लेने की भावना से काम ना करें, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं सबके लिए आई हूँ। मैं जिले का विकास करना चाहती हूँ, ना कि अपना विकास करना चाहती हूँ। ये आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को बोलिए। आज आप एसपी के यहाँ आई हैं जी, कोई डर है क्या आपको जो कह रहे हैं? किसी डर नहीं, डरने की बात नहीं है, बात यह है कि एक डिस्टर्ब करते हैं, मेंटल हैरेसमेंट करते हैं, उसके लिए मैंने उनसे बोला है कि मतलब इस तरह से चीज़ें ना हो। वो कप्तान है जिले के, उनको अधिकार है। हर इस क्या पुलिस थोड़ी सी डिपेंड है, और ये पॉलिटिशियन आपको पता है कि वो इनसिक्योर है। मैं तो आज से आज आई हूँ ना, नहीं आई हूँ। जिले के विधायक और सांसद जो भी हैं उनसे इनसिक्योर होने का क्या मतलब बनता है? अगर उन्होंने कुछ किया होता तो इनसिक्योर नहीं होते। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे इतना पता है। और आप लोग हैरेसमेंट किया गया, मानसिक रूप से हैरेसमेंट का भी मैं उसके लिए डिटेल आपको दे दूँगी कि क्या हैरेसमेंट हो रहा है, और वो उसके लिए आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बताइए कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या मामला? ये वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह जी आई थी, और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने की अपील की गई, जिसके लिए उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया गया। साथ ही उन्हें दो सुरक्षाकर्मी, जैसा कि प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को सुरक्षा हित प्रदान किए गए हैं, वो भी उन्हें दिए गए हैं, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में उनसे अनुरोध किया गया कि वो अब सुरक्षाकर्मी अपने पास रहें, ताकि किसी तरह का भय और किसी तरह के दबाव से वो स्वयं मुक्त रह सकें।